हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आइए ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म अंडा करी बनाते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अंडे को पहले से उबाल कर रखा हुआ है और ये हमने पेस्ट बनाया है। दो टमाटर, दो हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और ये हमारे पास हरे मटर है और फाइन चॉप किया हुआ प्याज। अब हम अंडे को थोड़ा सा इस तरह से फोर्क से चारों तरफ से इसको घुमा घुमा कर इसमें पुल कर देंगे ताकि ये तेल के अंदर जाए तो फटे नहीं। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। अब हम सरसों का तेल इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप कोई भी तेल ऐड कर सकते हो खाने वाला। और अंडे को हम फ्राई कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सारे अंडे एक साथ डाल देंगे कढ़ाई में और अच्छे से उलट पलट कर इसको फ्राई कर लेंगे। तो अंडा हमारा फ्राई हो चुका है। इसको अब तेल से बाहर निकाल देते हैं और इसी कढ़ाई में हम मसाले तैयार करेंगे। तेल हमारा कम लग रहा है तो थोड़ा सा तेल और डालेंगे हम इसमें। और तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें जीरा ऐड करेंगे, तेजपत्ता, दालचीनी, हरी मिर्ची और इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर हम प्याज ऐड करेंगे। अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हाई फ्लेम पे भून लेंगे। तो देख सकते हैं आप, हमारा प्याज थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो चुका है इस तरह से। अगर जल्दी प्याज भूनना है तो उसमें नमक ऐड कीजिए या फिर ढक दीजिए। अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे और मटर और प्याज दोनों एक साथ भूनेंगे। तो प्याज और मटर को ढक ढक कर हमें 5 मिनट तक भूनना है। हमारा प्याज और मटर भून चुका है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर का पेस्ट, अदरक लहसुन मिक्स किया हुआ और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, धनिया, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इसको मिला लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ढक कर भूनेंगे इसको, तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल ना छोड़ दे। अब इसमें ऐड करेंगे हम अंडा करी मसाला, अच्छे से मिला देंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसको भूनेंगे। ढक कर भूनेंगे इसको। पहले इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार और फिर इसमें ऐड करेंगे हम अंडा, फ्राई किया हुआ अंडा। अंडे के साथ हम मसाले को भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक हमारा मटर और मसाला अच्छे से पक ना जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें चाहे तो थोड़ा सा पानी ऐड करें, नहीं तो इसी तरह लो फ्लेम पे इसको ढक ढक कर भून लें। तो देख सकते हैं आप, हमारे मसाले से तेल अलग हो चुका है और अच्छे से भून भी चुका है। तो हमारा अंडा करी मसाला रेडी हो चुका है। चाहे तो आप इसमें पानी डालकर ग्रेवी बनाएं या फिर इसी तरह सूखे ही खा सकते हैं चपाती और चावल के साथ। तो आप भी ट्राई कीजिए और बनाइए अंडा करी मसाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।